और दोस्तों इस समय हम मंजरपुर मुख्यालय के गुवारा तैयापुर में खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमें यह देखने का मिल रहा है कि सारे ग्रामीणों के अंदर उनकी आंखें नम है और ऐसा कारण क्या है। इस कारण से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा कि ऐसा कारण क्यों उत्पन्न हुआ। तो मैं आप लोगों को ऐसे शख्सियत मिलाना चाहूँगा जो 4 साल पहले यहाँ पर आए थे अपने कार्यरत अपने काम के लिए और यहाँ पे जब पोस्ट हुए तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला, जब आए तो यहाँ पे कुछ नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब उनका प्यार बढ़ा, व्यवहार बढ़ा, लोग इनके ग्रामीण जब इनके पास आए तो इनकी समस्या, ग्रामीण को समस्या जो आगे आई उत्पन्न हुई, इन्होंने एक बड़े भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक अच्छा एक कर्मचारी के रूप में जिन्होंने एक गाइड किया और अपने जनता के अंदर एक अपना विश्वास जलाया और यहाँ पे आप लोग काफ़ी लोगों को भीड़ भी आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर भीड़ क्यों है। इस भीड़ में आज इनकी विदाई समारोह जो 4 साल, जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है संदीप कुमार जी, जो बैंक यूपी बड़ौदा बैंक यूपी में पोस्टेड हुए थे और ट्रांसफर होके इटावा की ओर जा रहे हैं। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं मिस्टर संदीप जी से। सर आप इस 4 साल में, जो आप 4 साल पहले आए थे यहाँ पे, सर आपने 4 साल में कुछ नहीं पाया होगा लेकिन आज 4 साल बाद जा रहे हैं, क्या आपने पाया सर? मैं आपके मुँह से ये सुनना चाहूँगा सर। मैंने 4 साल में जनता का इतना प्यार पाया जिसको मैं आज कह नहीं सकता हूँ। मैं दोस्तों बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा गुवारा तैयापुर में एज ए ऑफिस असिस्टेंट 15 जुलाई 2016 में भर्ती हुआ था। यह मेरी दूसरी पोस्टिंग थी। 3/11/2016 में मैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा गुवारा तैयापुर में आया था। तो दोस्तों कितने लोग बैंक में आए और कितने चले गए, लेकिन आज जनता का प्यार जितना मुझे मिला है इसका मैं अपने होल लाइफ में क्या होल जीवन में भूल नहीं सकता। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद मैं इटावा रीजन के लिए मंडे को पोस्टेड वहाँ इटावा रीजन में जाकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। वहाँ से देखते हैं इटावा रीजन मुझे कहाँ देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे संदीप जी बयां तो कर रहे हैं लेकिन इनकी आंखों में नमी चाहिए हुए और ये नमी दुखी की नहीं है, ये खुशी के पल है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अच्छा कार्य किया, यहाँ पे अपनी ईमानदारी से कार्य किया। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र दिवाकर, पावर ऑफ जन अधिकार से। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कैशियर संदीप जी का विदाई था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि बड़ौदा यूपी बैंक गुवारा तैयबपुर की शाखा से संदीप सर जी 4 साल तक कार्य उन्होंने किया है, कार्य बहुत संतोषजनक रहा है। मैं उनके 1 किलोमीटर दूर गांव ग्राम पंचायत भैला मखदूम के ग्राम प्रधान पति होने के नाते इनके कार्य कुशलता देख करके मैं देखता था कि वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है। आज समस्त ग्रामवासियों को जितना विदाई की उनका दुख हुआ है, ऐसा हम ये भी चाहते हैं भविष्य में कि ऐसा ही कर्मचारी कर्मठ व्यक्ति मिले ताकि जिससे जनता जनार्दन का जो है कार्य हो सके। बहुत अच्छा कार्य संतोषजनक रहा है। बैंक में जितने भी लोग आते हैं खाता धारक, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहा है? अच्छा रहा है उनका व्यवहार और बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत ही किसी भी कस्टमर से बहुत शांतिपूर्ण से व्यवहार, बात करना और उनके कार्य का कुशल निपटाना उनका बहुत ही कार्य संतोषजनक रहा है। कौशाम्बी बड़ौदा यूपी बैंक के कैशियर को दी गई विदाई। ग्रामीणों के आंखों में दिखा नमी का माहौल। मंजनपुर मुख्यालय के गुवारा तैयपुर में बड़ौदा यूपी बैंक के कैशियर संदीप कुमार का ट्रांसफर इटावा रीजन कर दिया गया है, जिसमें लगभग समस्त ग्रामवासियों में दुखी का माहौल छाया हुआ है। लगभग 4 साल से कैशियर संदीप कुमार गुवारा तैयपुर बड़ौदा यूपी बैंक में कार्यरत थे, जिनका ट्रांसफर इटावा रीजन कर दिया गया है, जिसमें समस्त ग्रामीणों में दुखी का माहौल छाया हुआ है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने खुशी विदाई की, जिसमें सगीर अली पेट्रोल पंप मालिक व हिमतियाज अली कोटेदार, पवन कुमार यादव प्रधान पति व निराले ग्राम प्रधान, हनुमत सिंह यादव व आकाश सिंह यादव, नीरज कुमार केसरवानी व राम अभिलाष यादव, आयुष भड़कू युवा सपा नेता और सुमित कुमार रविवार कुमार ब्रह्मा यादव तथा समस्त ग्रामवासियों ने विदाई समारोह में शामिल रहे। कौशाम्बी की खबरों के साथ धर्मेंद्र दिवाकर, ब्यूरो की खास रिपोर्ट।